हेलो एवरीवन, मैं रेखा कुशवाहा फिर हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक न्यू वीडियो के साथ। और आज हम कवर करने वाले हैं करंट अफेयर्स 8 जुलाई के स्पेशल सिलेक्टेड 10 एमसीक्यूज होंगे आप लोगों के सामने। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। सो 8 जुलाई को किस देश के राष्ट्रपति भारत दौरे पर आएंगे, ये बताना है 8 जुलाई को। पहला क्वेश्चन हमारा अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया या इंडोनेशिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति जिनका नाम है मून जे इन आएंगे हमारे भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर, और ये इनका पहला यानी कि पहली यात्रा होगी भारत में 4 दिवसीय यात्रा। तो आएंगे ये दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति। तो करेक्ट आंसर C1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने साल में 2 बार नीट और जी मेन्स की परीक्षा कराने का ऐलान किया है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, शिक्षा मंत्री या मानव संसाधन विकास मंत्री। तो ये हैं हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने साल में 2 बार नीट और जी मेन्स की परीक्षा कराने का ऐलान किया है, और साथ ही यूजीसी नेट, सीमेट और जीमेट परीक्षाओं को कंप्यूटर बेस्ड कर दिया गया है ताकि जो लीक की प्रॉब्लम होती है कि एग्जाम लीक हो जाते हैं वो नहीं होंगे, इससे हमारी बहुत सेविंग रहेगी। तो ये चीज किया है मानव संसाधन विकास मंत्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारेन बफे को पीछे छोड़कर कौन दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है, लरी पेज, मुकेश अंबानी, सत्य नडेला या मार्क जुकरबर्ग। तो ये हैं हमारे फेसबुक के संस्थापक और फाउंडर मार्क जुकरबर्ग, जो दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, और पहले 2 अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस और बिल गेट्स हैं हमारे, और 3rd नंबर पर हमारे मार्क जुकरबर्ग हैं। तो करेक्ट आंसर इज लास्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा बैंक कर्जदारों से 136 करोड़ रुपए वसूलने के लिए 3 खातों को बेचेगा, तो SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा या ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। तो ये है हमारा PNB, पंजाब नेशनल बैंक ने कहा है कि कर्जदारों से 136 करोड़ रुपए बकायदा वसूलने के लिए वो 3 खातों को बेचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन अब नीट, जी मेन और नेट परीक्षाओं का आयोजन करेगा, तो ये हमारा इसका जो सही आंसर है वो है हमारा NTA। तो करेक्ट आंसर है हमारा C1, क्योंकि अब जो हमारा नीट, जी मेन और नेट की जो परीक्षाएं होती थी वो पहले CBSE करता था, जो हमारी रिटर्न बेस्ड होती थी, अब ये कंप्यूटर बेस्ड हो गई है, तो अब ये करेगा हमारा NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, इनमें से किस रेलवे डिवीजन ने सभी मानव रहित क्रॉसिंग फाटक समाप्त कर दिए हैं, तो किसने किए हैं, ये हैं हमारे संबलपुर रेलवे डिवीजन ने किए हैं, और इन्होंने एक रिकॉर्ड भी बना दिया है कि 74 घंटों में इन्होंने 6 सबवे बनाकर एक इतिहास रच दिया है। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है। तो करेक्ट आंसर है हमारा लास्ट वन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल को किसने अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो राज्य सरकार, विप्रो, TCS या NGT। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा NGT। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल को राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT का अध्यक्ष चुना गया है, और ये हमारे पूर्व जस्टिस भी रह चुके हैं। तो करेक्ट आंसर है हमारा NGT, लास्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस विभाग ने अपने भर्ती बोर्ड को दरकिनार कर दिया है, तो किस विभाग ने किया है, रेलवे, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या नीति आयोग। तो ये है हमारा रेलवे। इन्होंने क्या किया है कि जो रेलवे में भर्ती बोर्ड की जितनी भी हमारी परीक्षाएं पेंडिंग में चल रही थी और काफी रोक लगी हुई थी अभी तक, तो अब इन्होंने नियुक्तियों के दरवाजे यानी कि भर्तियों के दरवाजे खोल दिए हैं, और अब जितने भी कर्मचारियों की कमी आ रही थी तो वो पूरी जल्द से जल्द पूरी की जाएगी। तो ये किया है रेलवे सरकार ने, रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, इनमें से किस संसद ने विवादित यूरोपियन यूनियन कॉपीराइट कानून का जो प्रस्ताव था वो रद्द कर दिया है, तो ये किया है यूरोपियन संसद। और यहां पर इनको जो वोट मिली थी विपक्ष
विपक्ष में मिली थी 318 और पक्ष में मिली थी 278, इसीलिए ये प्रस्ताव रद्द कर दिया गया है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से किसने खेलों में सट्टेबाजी को वैध करने की सिफारिश की है, यानी कि सट्टेबाजी जो हमारा एक पर्टिकुलर खेल होता है तो इसको वैलिड करने की सिफारिश की है, तो ये की है हमारी विधि आयोग ने, विधि आयोग देश की विधि आयोग यानी कि लॉ कमीशन ने हाल ही में खेलों में सट्टेबाजी को वैध करने की सिफारिश की है। तो अगर ऐसा होता है तो खेल में जो सट्टेबाजी है उसको कानूनी दायरे पर रखा जाएगा। तो करेक्ट आंसर है हमारा विधि आयोग। तो ये थे हमारे 10 सिलेक्टेड MCQ जो आप लोगों के अपकमिंग एग्जाम के रेगुलर प्रिपरेशन के लिए बेस्ट हैं। सो आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए, ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।